बिग बैंग से इस ब्रह्मांड की शुरुआत नहीं हुई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये बात फेमस नोबेल प्राइज विनर सर रॉजर पेनरोज का कहना है। तो इसमें मिस्टर पेनरोज एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बिग बैंग इस वास्ट यूनिवर्स का ओरिजिन नहीं था, इनफैक्ट इससे पहले वाले यूनिवर्स का धमाकेदार अंत था। तो इसका मतलब टाइम और यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस बिग बैंग से पहले भी था और शायद जीवन का भी। सो जस्ट स्टिक विद मी, क्योंकि आज तुम लोगों के बहुत से मिथ टूटने वाले हैं। तो इस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से बहुत से रिसर्चर्स ग्रीन फ्लैग भी देते हैं तो बहुत से नहीं भी। पर आप लोग भी तो सोचो, बिग बैंग से पहले कुछ तो होगा जिसने इस एक्सप्लोजन को इग्नाइट करा। तो मुझे भी इसी क्वेश्चन ने एक अमेजिंग रिसर्च पेपर से इंट्रोड्यूस कराया। तो क्या आप लोग कभी मॉडर्न ऑफ डार्क एनर्जी से फेमिलियर हुए हो? नहीं तो ट्रस्ट मी, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग 13.8 बिलियन ईयर हो चुके हैं हमारे बिग बैंग को, और तभी से ही हमारा यूनिवर्स नॉन स्टॉप एक्सपेंड होता जा रहा है। पर रुको, ये डार्क एनर्जी होता है क्या, कभी आपने सोचा है? तो चलो इसे सबसे इजी वे में समझाता हूँ। डार्क एनर्जी एक रिपल्सर फोर्स है जो कॉस्मोस को एक्सपेंड होने में मदद करता है, और इसे फर्स्ट टाइम 1917 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। और रिसेंटली 3 साइंटिस्ट ने इसी मॉडल पे काम करते हुए एक रिसर्च पेपर पब्लिश करा। इसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स का एक्सपेंशन बिलियन ईयर से हो रहा है, पर अब रिपल्सल फोर्स ऑफ डार्क एनर्जी इतनी स्ट्रांग नहीं रही कि उसे कंटिन्यू रख सके, और नेक्स्ट 65 मिलियन ईयर में ये एक्सपेंशन स्लो होता जाएगा, और विद इन 100 मिलियन ईयर में ये एक्सपेंशन कम्प्लीटली रुक जाएगा। देन हमें दो रिजल्ट देखने को मिल सकता है। पहला, या तो यूनिवर्स अपने में पूरी तरह से कोलैप्स हो जाए, जिसे साइंटिस्ट बिग क्रंच बोलते हैं। दूसरा, या तो ये अपने ओरिजिनल साइज में कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तब हो सकता है हमें दूसरा बिग बैंग देखने को मिले। तो वीडियो पसंद आया तो शॉर्ट को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और क्या सोचते हो आप कमेंट करके बताओ।